मालवा में बीती रात दो पक्षों में रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली के विवाद में झगड़ा हो गया। झगड़ा सुलझाने गई पुलिस टीम पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया और एक आरक्षक की बेरहमी से पिटाई भी कर दी। घायल आरक्षक सुमित सिंह को कान सिर हाथ में चोट आई है, जहां पर घायल अवस्था में सिवनी मालवा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। आरक्षक की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया गया है। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया है कि आरक्षक सुमित सिंह की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। फिलहाल तीन आरोपियों को पकड़ लिया गया है, वहीं अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी टीम बनाकर तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।